नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आगामी खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस आरओ आरओ और यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए मिसलेनियस टेस्ट सीरीज भी मैं आरंभ करने जा रहा हूं। और आज का वीडियो काफ़ी चैलेंजिंग है आप सभी के लिए। टॉप 40 MCQs बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स है, आपको मज़ा आएगा प्रश्नों को हल करने में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आइकन बेल जरूर प्रेस करें। हर क्षेत्र से क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। पहला प्रश्न जो है, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? एकमात्र राज्य जहां से टीन जो है खनिज का जो है उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या है? टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य, इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जरा अन्य ऑप्शन से देख लेते हैं। भारत का और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, महानदी पर। ठीक है, जबकि देश का सबसे बड़ा बांध है टिहरी डैम, ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है 2019 टाइगर सेंसस के हिसाब से, 526 टाइगर हैं यहाँ पे। इसके अलावा दालों के उत्पादन में नंबर वन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा सोयाबीन की खेती और उसके उत्पादन में नंबर वन है मध्य प्रदेश। झारखंड कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत है कोयला। और यहाँ से एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जादूगुड़ा यूरेनियम खनन क्षेत्र जादूगुड़ा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। और टीन खनिज के लिए एकमात्र प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल मिलाकर 40 प्रश्न हैं यहाँ पे और आसान नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ 25 प्रश्न सही करके बताना है। अगर आप 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो यकीनन आपकी नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर, समान विभव पर। दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन डी। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे समान विभव पर हों। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, नोयाल, दामोदर, गोमती, गंडक। जैविक मरुस्थल सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। अगर दामोदर ऑप्शन में ना हो तो यमुना नदी भी जैविक मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी जैविक मरुस्थल। देश की नंबर वन जैविक मरुस्थल दामोदर नदी है। और यह भी ध्यान रखना है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से भी बहती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 37 करोड़, ऑप्शन ए। ठीक है, जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। केरल के बाद
स्त्री साक्षरता के संदर्भ में उच्च कौन सा राज्य है? सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। सही जवाब यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर वन पे है केरल, नंबर टू पे है मिजोरम। चलिए भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, दिहांग दिबांग, नंदा देवी, कंचनजंगा। गारो पहाड़ियां, नोकरेक सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, नोकरेक जैव मंडल। सुमेल करना है आपको, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, सुमेल करिए। बेतवा नदी पर है आपका माता टीला, महानदी पे है हीराकुंड, देश का सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, चंबल नदी, चंबल नदी किससे सुमेल होगा? गांधी सागर से, तापी काकरा पार से। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। कमेंट करके बताना है आपको कि प्रश्नों का स्तर कैसा है, इसके अलावा कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई? इकोनॉमी का क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर से मैं प्रश्न जो रिपीट कर दूं, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेश पर अपनी सिफारिशें दी गई? राकेश मोहन समिति, सिन्हा समिति द्वारा, रंगराजन समिति द्वारा, केलकर समिति द्वारा। सही जवाब क्या है? सही जवाब है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में थी? 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9, सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में अगर आए तो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें निम्नतम साक्षरता पाई गई? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, करंट का है। हाल ही में जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 2019 में 14वां रहा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक, SDG सूचकांक इंडेक्स 2019 जारी किया गया है, जिसमें केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG इंडेक्स में पहले नंबर पे केरल था, तो दूसरे नंबर पे कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। केरल को याद रखना है आपको, नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे तेज गति से सुधार करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर।
निम्न में से कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन में, तो कॉफी उत्पादन में नंबर वन पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में से कर्नाटक। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है, ठीक है। दालों में उत्पादन में नंबर वन है मध्य प्रदेश, सोयाबीन में नंबर वन है मध्य प्रदेश, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, सब्जी के उत्पादन में नंबर वन है पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता रहे? ऑप्शन देख लीजिए, एसके डे, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। सही जवाब क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निर्माता कौन कहलाते हैं? सही जवाब है एसके डे। तीन स्तरों पर पंचायती राज की व्यवस्था जो है किसकी सिफारिश थी? बलवंत राय मेहता की। दो स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा तालाब सिंचित राज्य है? भारत में सबसे बड़ा तालाब सिंचित राज्य इनमें से कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? 15 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा तालाब सिंचित राज्य, कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्न में से कौन सा राज्य गन्ने की उत्पादकता के संदर्भ में, प्रति एकड़ के संदर्भ में सर्वाधिक है उत्पादकता गन्ने की? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। गन्ने की उत्पादकता प्रति एकड़ सर्वाधिक किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, उत्पादकता पूछी गई है, उत्पादन अगर पूछेगा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गन्ने की सर्वाधिक मिलें अगर पूछेगा तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर उत्पादकता पूछ रहा है तो तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राष्ट्रों का कौन सा क्रम सही है? विश्व के सबसे बड़े गैस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राष्ट्र कौन से हैं ये बताना है आपको एक तरह से। तो यहां पे चार क्रम दिए गए हैं, चारों क्रम को ध्यान से देख लीजिए। पर्यावरण के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन गैस उत्सर्जक राष्ट्र कौन से हैं? नंबर वन पे है, क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब है, नंबर वन पे है चाइना, नंबर दो पे है अमेरिका, फिर है यूरोपीय यूनियन और फिर आता है आपका भारत। तो भारत का क्रम है नंबर 4। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। शिवाजी के समय सरनोबात पद का संबंध किससे था? वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या सैन्य प्रशासन से? सरनोबात सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सैन्य प्रशासन से। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अष्टप्रधान से कौन संबंधित है, ठीक है। तो अष्टप्रधान से शिवाजी संबंधित है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो प्रशासन को संभालते थे। मंत्रियों का एक जो है समूह होता था जिसमें कि 8 बड़े मंत्री होते थे शिवाजी के मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अष्ट दिग्गज में भी प्रश्न पूछा गया है। अष्ट दिग्गज जो थे ये विजयनगर साम्राज्य में थे 8 फेमस तेलुगु कवि, किसके शासनकाल में हुए? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, सरदेशमुखई, सरनोबाद, इन पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न पॉलिटी से है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है,
केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन बी। ग्यारहवीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसके अलावा भी पीछे पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें टोटल विषय पूछ लिया था, तो वो भी क्वेश्चन मैंने बनाया है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्यारहवीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ग्यारहवीं अनुसूची में कुल टोटल विषय कितने हैं? 29। इसके अलावा नगर पालिका से संबंधित अनुसूची है 12वीं और विषय कितने हैं? 18। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान इसका वेतन होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है, राष्ट्रपति जो है इनको पद से विमुक्त कर सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति नियुक्त तो जरूर करता है, लेकिन पद मुक्ति जो है महाभियोग की प्रक्रिया से होता है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति है, ठीक उसी तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद मुक्ति है। बाकी ऊपर के तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की? भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट। 24वां प्रश्न जरा देखिए, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? पंच सिद्धांतिका पर्शियन ज्योति विद्या, यूनानी ज्योति विद्या, ईरानी ज्योति विद्या या मेसोपोटामी ज्योति विद्या। ईमानदारी से बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी ज्योति विद्या। ठीक है, यूनानी ज्योति विद्या। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को प्रिजर्व करने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। 25वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड और फलों के रस को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट। चले, निम्न में से जीवाश्म ईंधनों में कौन सबसे स्वच्छतम ईंधन है पर्यावरण के हिसाब से? कोयला, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस। सबसे स्वच्छतम ईंधन, पर्यावरण को सबसे न्यूनतम क्षति इनमें से किसके द्वारा होगी? प्राकृतिक गैस के द्वारा, और यह भी एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ घास, केचुआ, कसकुट्टा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसमें भी सबसे बेहतरीन तरीके से कौन जो है परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में, वो पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा क्लोरेला।
वनस्पति की एक स्पेशल प्रजाति क्लोरेला। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से सही होगा। इसका सही जवाब है कर्नल फिनिस। कर्नल फिनिस ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? देश के 51% पर जो है रैयतवाड़ी भू व्यवस्था जो है प्रचलित थी। सबसे पहले बारामहल तमिलनाडु और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया। कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो है इससे संबंधित थे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। तो मैंने बता दिया है आपको तमिलनाडु और मद्रास, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत, ऑप्शन डी। सीधा सीधा नाम भी दे सकता है तमिलनाडु, बारामहल, मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरीके से उसको भी ध्यान रखना है आपको, और मुनरो और रीड ये भी ध्यान रखना है। चलिए कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85, 84, 82, 86। दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपने देख लिया रैंक के हिसाब से। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स के हिसाब से सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस राष्ट्र का है? तो पहले तो हम देख लेते हैं 84वीं रैंक, ठीक है, 84, और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस राष्ट्र का है? जापान का। रैंक ध्यान रखिए 84 और जापान, इसका सही जवाब है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। भारत में निम्न में से किस की कृषि तथा सवद सहबद यानी कि उससे इंटरलिंक्ड जो है गतिविधियां एक्टिविटीज में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? कृषि और उससे संलग्न गतिविधियों में ऋण के वितरण के संदर्भ में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों का। उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? सही जवाब क्या होगा? ऊपरी गंगा, यमुना नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से किया करते थे? फो क्योंकि यंतु सीयू की सिकिया पोनो। क्वेश्चन नंबर 34, सही जवाब है आपका यंतु। बिना तट वाला सागर सरगासो सागर किससे संबंधित है? केवल घास पाई जाती है इस सागर में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है सरगासो सागर। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पता होगा आपको इसका उत्तर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपको पता थे। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? छत्तीसवें का सही जवाब होगा थर्मोस्फीयर। सभी मौसम संबंधी गतिविधियां कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। चक्रवात कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। जेट कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और यहाँ पे क्वेश्चन था मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होंगे? थर्मोस्फीयर में।
वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक कैटलिस्ट परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? चांदी, स्वर्ण, तांबा, प्लेडियम। ये प्रश्न दो बार पूछा गया परीक्षाओं में, एक बार ऑप्शन बदल दिया गया था, तो पहले तो इसका उत्तर जान लीजिए। सही जवाब है प्लेडियम। प्लेडियम ऑप्शन में ना दे करके प्लेटिनम भी दे देता है, ठीक है, दोनों ही सही है, प्लेडियम या प्लेटिनम। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? फिर से क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लीजिए। जीव भार एकत्रित करने की अनुमति नहीं है किसमें? सही जवाब है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सही जवाब क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। सभी प्रोटोकॉल जो है मैंने कराए हुए हैं अपने पर्यावरण के वीडियो में, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इंसिटू नहीं है? इनमें से कौन इंसिटू का एग्जाम्पल नहीं है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का और अंतिम प्रश्न है, ऑप्शन बी। वनस्पतिक उद्यान, बोटैनिकल गार्डन। तो यहां पे कुल मिलाकर 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करता हूं कि जो हैंड के नोट्स हैं, हाथों द्वारा बनाया गया ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से कि कैसा लगा आपका ये टेस्ट और कितने प्रश्न आपको अच्छे से आते थे और कितने सही किए आपने, ठीक है। आपके कमेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।